बताते हैं कि आपको सीधा लेकर चलते हैं धरियावद, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। गहलोत धरियावद पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एवन न्यूज पर दिखा रहे हैं। धरियावद में कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, अभी उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये एवन न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतापगढ़, सिरोही और जोधपुर में, इसके चलते अभी धरियावद पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एवन न्यूज पर देख रहे हैं। धरियावद में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अभी कुछ ही देर पहले उनका हेलीकॉप्टर धरियावद पहुंचा है और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एवन न्यूज पर देख रहे हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे चोटिला शिवगंज सिरोही पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और शाम 4 बजे जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं धरियावद से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एवन न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरियावद पहुंच चुके हैं। लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो वहां पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं। धरियावद में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे चोटिला शिवगंज सिरोही पहुंचने का कार्यक्रम है और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से धरियावद पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप धरियावद से देख रहे हैं। अगर आज के कार्यक्रमों की बात करें तो दोपहर 1:30 बजे चोटिला शिवगंज सिरोही, उसके बाद शाम 4 बजे जोधपुर, जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश पालीवाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रितेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं? जी ऋषभ जी, मुख्यमंत्री महोदय अभी पहुंच कर चुके हैं हेलीपैड पे। उनका कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा बड़ी स्वागत किया गया। वही मुख्यमंत्री अभी
सभा स्थल की ओर जा रहे हैं। इस दरमियान जगह जगह उनका वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज दरियावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि का शिलान्यास किया करेंगे। वही विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ पर आसपास में हजारों संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हैं। जी रितेश, अभी कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभा स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर विभिन्न कार्यों को लेकर शिलान्यास करेंगे। और इसी कड़ी में धरियावत में इस बार उपचुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री का एक और दौरा होने के चलते यहाँ पर इस बार लोगों को काफी मतलब इस चुनाव में आने वाले चुनाव में काफी फायदे मिलने की उम्मीद बताई है। जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी रितेश पालीवाल हमें जानकारी दे रहे थे। दरियाबंद में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं अभी और हेलीकॉप्टर के जरिए अभी पहुंचे कुछ ही देर पहले। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दरियावत से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। चुनावी वर्ष होने के चलते लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी के चलते अभी प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। इसके बाद तमाम जगहों पर जाने का कार्यक्रम है। शाम करीब 4 बजे जोधपुर भी पहुंचेंगे। ये धरियावत कार्यक्रम स्थल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर पहले पहुंचे। प्रतापगढ़, सिरोही और जोधपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हेलीकॉप्टर के जरिए धरियावत पहुंचे और अब यहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे शिवगंज, सिरोही और उसके बाद वहां पर मारवाड़ मीणा समाज के महासम्मेलन में शामिल होंगे। शाम करीब 4 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर में आज और कल कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे।
मिशन प्रतापगढ़ पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल धरियावत पहुंचे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया है और अब विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरियावत पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए।